धर्म रक्षा रक्षिता ये शब्दों का उद्घोष कई मंचों से सुनाऊंगा। धर्म का रक्षण करना मतलब क्या? क्या लड़ाई करना? नहीं। आज वैदिक पद्धति को संरक्षण करना, वैदिक पद्धति का संवर्धन करना, 108 कुंडी जैसा यज्ञ करना और जिसमें समस्त छत्रवासी और नगरवासियों को लेके बैठना, यही है धर्म रक्षा रक्षिता। इसको बोलते हैं संस्कृति का संवर्धन करना, उसका संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना, इसी को कहा जाता रक्षा रक्षिता। आज राजस्थान की भूमि ने भी यही काम किया है। एक और जगत बदल रहा है, हम नहीं बदलेंगे ना, हमने हमारा पहनावा छोड़ा। अगर किसी देश को और संस्कृति को अगर खत्म करना है तो कोई लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, वहां के परंपरा संस्कृति को सभ्यता को खत्म करो तो अपने आप एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। और आज यही काम हो रहा है समाज में देखा जाए तो। लेकिन हमें धर्म रक्षा रक्षिता, हमें किसी भी हालत में जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी रूढ़ी है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी रक्षा करना ही सच मायने में माना जाए तो धर्म रक्षा रक्षिता है। और आज इस पाली नगर में, हमारे इस नगर भवन में देखिए, मेरा जन्म भी जहां हुआ है वहां भी भगवान नरसिंह देव जी का अवतीर्ण है। और कहा जाता है कि जहां नरसिंह का प्रागट्य रूप होता है और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है और स्वयं नरसिंह भगवान जहां विद्यमान होते हैं, वह अधर्म कभी नहीं आता है।